असफलता से ही सफलता की राह निकलती है। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी बिजली के बल्ब बनाने में करीब 10,000 से ज्यादा बार कोशिश किए थे, उसके बाद भी असफल रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि 10,000 बार मैंने असफलता जरूर पाई है, लेकिन उसमें एक ऐसी राह निकाली है जो 10,000 बार नई राह को दिखाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज मैं एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 100 बार से ज्यादा रिजेक्ट हुई लेकिन हार नहीं मानी, और आज वो 400 अरब की मालकिन है। वो कंपनी है कैनवा। लोगों को जीवन के शुरुआत में अक्सर असफलताओं का सामना करना पड़ता है, इससे कई लोग हताश निराश हो जाते हैं, लेकिन कई लोग असफलता को ही अपना हथियार बनाकर सफलता प्राप्त करने में लग जाते हैं। ऐसा ही वाक्या एक महिला के साथ हुआ और आज सफल होकर 400 अरब की मालकिन बन गई, जिनका नाम मेलानी पर्किंग्स है, जिनकी उम्र सिर्फ 31 वर्ष है। मेलानी पर्किंग्स ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। पर्किंग्स लोकप्रिय डिजाइन प्लेटफॉर्म कैनवा की को फाउंडर और CEO हैं। उन्होंने अपना पहला बिजनेस सिर्फ 14 साल की उम्र में शुरू किया था। इसके बाद 22 साल की उम्र में मेलानी ने अपनी कंपनी फ्यूजन बुक्स बनाई थी। इस समय फ्यूजन बुक्स ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा वार्षिक पुस्तक प्रकाशक है और फ्रांस और न्यूजीलैंड में भी फैला है। वेबसाइट इंटरप्रेन्योर से बात करते हुए मेलानी पर्किंग्स कहती हैं, मैंने रिजेक्शन के अनुभवों से जल्दी ही सीखा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और लगातार कुछ न कुछ करते रहना सीखा। कई बार हमें जीवन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, कई लोग इससे हताश निराश हो जाते हैं तो कई रिजेक्शन को ही अपना हथियार बनाकर सफलता को हासिल कर लेते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 100 बार रिजेक्ट हुई महिला कैसे बन गई 400 अरब की मालकिन, तो आइए ये भी जानते हैं। साल 2013 में पर्किंग्स ने अपना बिजनेस कैनवा शुरू किया था। यह एक ऐसा मंच है जो किसी भी पेशेवर गुणवत्ता वाली डिजाइन बनाने की अनुमति देता है, चाहे उनकी विशेषज्ञता का स्तर कोई भी हो। आज कैनवा के पास 190 विभिन्न देशों में 10 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। कंपनी, जिनमें 250 से अधिक कर्मचारियों की टीम है, का मूल्य जनवरी 2018 तक $1 बिलियन यानी 7372 अरब था। रिसर्च फर्म CB इनसाइट के अनुसार पर्किंग्स के सिडनी स्थित फर्म दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टार्टअप है। वो 40 से कम उम्र की सबसे अमीर 100 निर्मित महिला अरबपति हैं। वो करीब 400 अरब की मालकिन भी हैं। पर्किंग कहती हैं, हर बार जब हमें किसी निवेशक से कोई कारण मिलता है कि वे निवेश क्यों नहीं करेंगे, तो हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं। एक वर्ष में 100 से अधिक बार रिजेक्ट किया गया। लोगों के लिए 100वें नहीं के बाद सामान्य बात यह होगी कि आप रुक जाएंगे, लेकिन आपको दृढ़ रहना होगा। मैं अपनी ऊर्जा को लगातार उन चीजों में डालती जिनसे निवेशक आते, उनके सवालों का जवाब मिलता, उनकी समस्या दूर हो जाती। सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि 400 अरब की मालकिन आखिर ये इतनी जल्दी बन गई होगी और 100 बार रिजेक्ट भी हुई है, लेकिन ये सब कठिन मेहनत और खुद को किसी एक काम में ढाले रहने और जुड़े रहने की दिलचस्प लगन की वजह से होती है।